हेलो क्यूरियस माइंड्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज मैं वापस आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे आप लाइट चैप्टर में रे डायग्राम्स आसानी से बना सकते हैं, और वो शॉर्ट ट्रिक आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये दो डायग्राम्स हैं, यह है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर में ये शॉर्ट ट्रिक जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको कुछ नंबर्स असाइन करने होंगे। जो नंबर्स अभी आपको मैं बताता हूँ, कॉन्केव मिरर के सभी पैरामीटर्स आपको पता है। दिस इज द पोल विच इज द सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर। इसको हम नंबर देते हैं 0। बाद में जो पोजिशन आएगी पोल और फोकस के बीच में, उसको हम नंबर देते हैं 1। फोकस पे आपका नंबर होगा 2। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए नंबर होगा 3, और सेंटर के लिए नंबर देंगे 4। 4 के बाद आएगा जो 4 नंबर जो होगा वो सेंटर से बियॉन्ड जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसको नंबर देंगे 5, 5। और 5 के बाद सीधा आएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के लिए हम नंबर असाइन करेंगे 6। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, प्लेस, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे प्लेस है तो उसको नंबर दिया जाएगा 6। और 6 के बाद अभी कोई नंबर नहीं है, तो 7 जो होगा हमारा, तो वो वर्चुअल के लिए हम असाइन कर देते हैं। 7 नंबर होगा वर्चुअल के लिए, और 7 के बाद आएगा 8 नंबर। तो 8 नंबर ये हमारा एक रेफरेंस नंबर रहेगा। तो चलिए ये ट्रिक कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट अभी 6 पोजीशन पर है, मीन्स इन्फिनिटी पर है, तो आपको करना क्या है कि आपका ये 6 नंबर आपका रेफरेंस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है। 6, 8 माइनस 6 आपको मिलेगा 2। आपका ये सब्सट्रैक्शन का जो आंसर होगा वो होगा आपका इमेज का नंबर। इसका मतलब आपकी इमेज 2 पर बनेगी। 2 का मतलब होता है फोकस से, तो आपकी इमेज इस 2 पर, मीन्स फोकस पे बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर। दूसरी सिचुएशन आती है बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर। इन्फिनिटी और सेंटर के लिए हमने नंबर दिया है 5। 5 नंबर अगर 8 से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है नंबर 3। तो आपकी इमेज जो बनेगी वो है 3 पर। 3 नंबर सेंटर और फोकस के बीच में है, तो ऑफ कोर्स अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 पर रखा है, दैट मीन्स बियॉन्ड सी, तो आपकी इमेज बनेगी बिटवीन सी और एफ के बीच में। अभी 5 नंबर के बाद सिचुएशन आएगी सेंटर की। तो सेंटर पे अगर आपका नंबर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी 4 पर, तो 8 में से अगर हम 4 सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो मीन्स इमेज भी आपकी 4 इस पोजीशन पर ही बनेगी, दैट मीन्स एट सेंटर, और वो सेम साइज होगी। 4 के बाद आएगा 3। अगर हम 8 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 5। मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है, दैट मीन्स एट 3, तो आपको इमेज जो बनेगी इस 5 पोजीशन पर बनेगी। 5 की पोजीशन है बियॉन्ड सी, तो यहां पर आपकी इमेज होगी बियॉन्ड सी। बाद में आता है नंबर 2। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट अगर आपका 2 पे रखा है तो आपकी जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी? 6। दैट मीन्स 6 नंबर जो है इन्फिनिटी का, तो मीन्स इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। तो ये हुए 6 केसेस जो कॉन्केव मिरर के लिए है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 केसेस। और 6 केस जो है वो है वर्चुअल इमेज की। तो ये जो इमेज या जो टेक्निक है, यही टेक्निक आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो बनेगी यहां पर बियॉन्ड बनेगी,
तो आपको ये जो नंबर दिए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर हुए और ये हुआ इमेज नंबर। इस टेक्निक से आप इमेज का नेचर भी पता कर सकते हैं। ये सभी जो इमेजेस है ये सभी रियल और इन्वर्टेड होगी, और इसका मैग्निफिकेशन भी आप पता कर सकते हैं। इसका मैग्निफिकेशन होगा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज नंबर डिवाइड बाय अगर आप ऑब्जेक्ट नंबर करते हैं तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज बन रही है 2 पर, तो इमेज का जो नेचर होगा रियल इन्वर्टेड तो होगा ही, लेकिन मैग्निफिकेशन को जो कहा जाता है कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज का नंबर है 2 और ऑब्जेक्ट का नंबर है 6, तो 2/6 ये नंबर हुआ 1/3 विच इज लेस देन 1, तो ये डिमिनिश इमेज हुई। वैसे ही 3/5 ये भी लेस देन 1, तो ये डिमिनिश इमेज। 4/4 ये इसका नंबर होगा मैग्निफिकेशन 1, मीन्स इसका मतलब सेम साइज इमेज मिलेगी। अभी 5/3 अगर आप करते हो तो आपको ग्रेटर देन 1 मैग्निफिकेशन मिलेगा, दैट मीन्स इमेज आपकी इनलार्ज होगी। 6/2 यहां पर आपकी इमेज हाईली इनलार्ज मिलेगी। तो इस तरह से आप रे डायग्राम बना सकते हो। यही आपके लिए अभी ये कुछ काम दे रहा हूं जो आप कॉन्वेक्स लेंस में ये इमेज बनाकर कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन आपको बता देता हूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज पैरेलल आती है, पैरेलल इंसिडेंट होती है और वो फोकस से जाती है, तो आपकी इमेज यहां पर फोकस पे बनती है। तो इस तरह से और नए नए शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। थैंक यू।